अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब मेंबर्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सैम व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी खैर खैरियत से हूँ, लेकिन थोड़ी सी डिसहार्ट हूँ क्योंकि मैंने एक ख़ुद से वादा किया था। मुझे आज 3 मंथ से अप हो गए हैं यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए। मेरा ये टारगेट था कि रमज़ान में मैं 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालूंगी। पहली बात तो ये बिज़ी रूटीन की वजह से इतनी ज़्यादा वीडियोस डेली नहीं डाल सकी थी। उसके बाद फिर भी मेरे 500 सब्सक्राइबर नहीं हुए, इवन के मेरे 300 से ज़्यादा हुए हैं, 400 तक भी सब्सक्राइबर नहीं हो सके। इस वजह से एक दिल में दिमाग में बात ठहर गई है, एक टेंशन सी होती है कि क्या बनेगा क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगी, मायूस नहीं होंगी क्योंकि मायूसी भी एक गुनाह है। रब की ज़ात से तो इंसान मायूस नहीं हो सकता। तो आप सब से भी कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, आगे शेयर करें। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट देने से शायद मेरा चैनल ग्रो कर जाए आपके थोड़े बहुत सपोर्ट से, क्योंकि अब तो व्यूज़ भी कम आने लग गए हैं। मैं अक्सर सबके कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, शायद ईद का वीक था इस वजह से भी, लेकिन पिछले मंथ से मेरे व्यूज़ भी काफ़ी कम हुए हैं और चैनल भी स्लो हो गया है। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी। खैर देखिए अब क्या बनता है। आप सब इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। तो आज विशो इधर ही रह रही थी नानों के घर, मैंने आप सब के लिए, क्योंकि आप विशो को प्यार करते हैं, तो क्लिप्स बनाई थी, मेरे साथ खेल रही थी, मेरे साथ बातें कर रही थी। फिर विशो को इम्तियाज़ पे लेके गए थे, जो उसका व्लॉग इम्तियाज़ वाला माशाल्लाह काफ़ी देखा गया। तो आप देखिए रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, हालात देखिए बहावलपुर में भी इतनी ट्रैफिक जाम होने लग गई है। तो हम लोग काफ़ी देर रुके रहे, उसके बाद खैर खैरियत से शुक्र है पहुंच गए थे इम्तियाज़ पे। तो शायद ईद रूटीन भी थी तो इस वजह से यहाँ पे रश भी था, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा हफ्ता ही ईद चलती रही थी। तो खैर हम लोग इम्तियाज़ आए, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, खाने पीने की चीज़ें लेनी थी, विशो के लिए नगेट्स लेने थे। विशो के साथ आ रीशू भी साथ थी, विशो और रीशू दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों का एक दूसरे के बगैर ज़रा भी गुजारा नहीं है, ऐसे सोच लें। तो हम लोग इनको इम्तियाज़ लेकर गए थे, वहाँ से शॉपिंग की थी। अंदर जाके मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ लेना था, तो थोड़ी बहुत बिज़ी थी, साथ में सिस्टर भी थी तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना पड़ता है। और इसके बाद हमें लग गई थी भूख और हम लोग नखलिस्तान आए थे खाना खाने। लेकिन हम लोग जब ईद के फर्स्ट डे आए थे तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा था नखलिस्तान पे खाना, लेकिन इस पर थोड़ी सर्विस स्लो थी इनकी और खाना भी सही था। तो खैर इनको कहूँगी कि मच मोर इम्प्रूवमेंट की इनको ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि ज़्यादा उम्मीदें लगा लो तो फिर वैसा नहीं होता, तो शायद इस तरह से ही हुआ था। बाकी इनका जो व्यू है आप देख लें, बहुत ही प्यारा, अलग सेपरेट से बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक डेकोर किया हुआ था। फैमिली थी यहाँ पे, किसी की बर्थडे थी तो यहाँ पे सब आए बैठे थे, लाइव सॉन्ग्स चल रहे थे। यहाँ पे बैठ के थोड़ा मैं रिलैक्स फील करती हूँ नखलिस्तान पे। और इससे रूफ टॉप एक और भी रेस्टोरेंट है बहावलपुर में, मोयरा, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर भी आपको विज़िट कराऊँगी। और हमने खाना ऑर्डर किया था, खाना आ गया था, यहाँ के टिक्के खाए थे, कबाब खाए थे। टिक्के इनके चाहे टिक्का पीस हो या हो टिक्का सिंपल टिक्का, तो इनके स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। हमने एक्स्ट्रा स्पाइसी कराए थे क्योंकि हमें स्पाइसी टिक्के खाने का दिल था, लेकिन नॉर्मल है। मैं ख़ुद भी घर पे बहुत अच्छे टिक्के बनाती हूँ, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ में मसाला राइस थे, ये आप ही डाल रही हैं अपने लिए मसाला राइस, और गार्लिक नान थे। तो खैर खाना हमने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा भी था। तो इस तरह से फिर हम लोग घर आ गए थे। विशो ने मुझे सरप्राइज़ दिया है, अपनी चीज़ें लेने गई थी तो मेरे लिए लेके आई मिकी पॉप। इसी के साथ मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।